तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। तो फाइनली आपके सामने टोयोटा की राफोर लेके आया हूँ, जो कि 2021 का मॉडल है। इसका जो है ना, फ्रंट ड्राइवर साइड का एयर बैग, पैसेंजर साइड का एयर बैग और लेग वाला एयर बैग, तीनों एयर बैग खुल चुका है क्योंकि गाड़ी ठुक चुकी थी इसकी वजह से। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ, बाहर किस तरीके से गाड़ी ठुकी है। तो बाहर देख लीजिए आप, काफ़ी बुरी तरीके से ठुका है, जो बम्पर वगैरह सब डैमेज हो गया पूरा। देख पा रहे हैं एयर कंडीशन का पाइप वगैरह सब डैमेज हो चुका है, काफ़ी बुरी तरीके से गाड़ी ठुकी है। तो देख लीजिए आपने बाहर किस तरीके से इसका पोजीशन हुआ है। तो चलो फिर मैं अंदर आपको तो बाहर मैंने आपको दिखा दिया कि गाड़ी किस तरीके से ठुकी है, जो कि तीनों एयर बैग आगे का सब, यानी कैबिन के अंदर सब खुल चुका है। तो इसमें मैं आपको बस यही चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि इसका डैशबोर्ड खोलने वाला हूँ। डैशबोर्ड खोल के इसका न्यू डैशबोर्ड डालेंगे और पहले देखेंगे, ट्राई, अगर रिपेयर हो जाता है डैशबोर्ड आउटसाइड में डालेंगे, अगर रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, फिर नया डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में नया डालना पड़ेगा डैशबोर्ड इसमें। तो तीनों एयर बैग नया डालना पड़ेगा, मॉड्यूल, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट भी देख लीजिए आप, पूरा लॉक हो चुका है ये, और इस साइड का सीट बेल्ट देख लीजिए पूरा लूज़ है, फ्री है। तो चलो फिर मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूँ। बैटरी वायर तो लगी नहीं है, जो कि बैटरी वायर रिमूव करूँ मैं, तो सबसे पहले इसका कंसोल बॉक्स ही खोलना पड़ेगा मेरे को। ये मैंने पहले खोला था इसको, किसी ने खोल के रखा है इसको पहले से। तो चलो इसमें दो सॉकेटें लगी रहेगी, ये गियर के अंदर रहेगा, और इसको निकाल के इधर से, यहाँ से बाहर निकल के, ये वाला निकाल के निकल जाता है। तो चलो इसको मैं सॉकेट दोनों निकाल देता हूँ पहले, ये दोनों सॉकेट निकल चुका अपना, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब जो है अपना एक 10 नंबर यहाँ है, और सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ, ये निकल जाएगा अपना। इसमें भी दो सॉकेटें लगी रहेगी, तो ये सॉकेट है मेरे को माइनस कूड़ा और से सहारा लेके खोलना पड़ेगा, क्योंकि इजीली जल्दी निकलता नहीं है। तो ये दोनों सॉकेट निकालता हूँ मैं, तो ये दोनों सॉकेट निकाल चुका हूँ मैं, एक तो लाइटर का है और एक कैंसिल है, एक खाली है ऐसा सैंपल दिया है। तो चलो इसको बाहर पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब उसके बाद एक 10 नंबर ये खोलता हूँ मैं, ये खोलने के बाद फिर अपना जो है ये कंसोल बॉक्स का सेटअप बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर मैं ये खोलता हूँ 10 नंबर, पहले खोल के फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ 10 नंबर यहाँ का आप खोल देंगे, उसके बाद ये निकल जाएगा अपना। तो चलो इसको पीछे होल्ड करता हूँ फिर, तो ये निकलने के बाद फिर इसको ऐसे खींचेंगे, ये भी निकल जाएगा, देख पा रहे। तो गाइस कैसा रहता है कि कभी कभी अपन गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, तो गाड़ी बड़ी रहती है या छोटी रहती है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या खोलने का रहता है, वो चीज़ें अगर अपने को मालूम नहीं रहता है ना, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खोले नहीं खोले। तो यही रीज़न है कि ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कौन सा पहले खोला जाए, क्या प्रोसेस रहता है डैशबोर्ड खोलने का। बाकी कोई तो सबका अलग अलग टेक्निक रहता है खोलने का, कोई भाई इधर से खोलने लग जाते हैं, इधर से भी खुलता है, लेकिन मेरे को जिस तरफ से इजी लगता है मैं वही चीज़ें खोल रहा हूँ पहले। तो चलो फिर अब अपने को एक 10 नंबर ये देख रहे हैं, एक 10 नंबर ये, 2 और 4 इसके अंदर कंसोल बॉक्स इसके अंदर है, तो चारों 10 नंबर और ये 2 आगे का 2 10 नंबर खोल के फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये सॉकेट था, इसमें सॉकेट भी निकाल दिया हूँ, और 4 10 नंबर था वो खोल दिया हूँ, ये आगे का दोनों 10 नंबर खोल दिया हूँ। तो चलो अब इसको मैं बाहर निकालता हूँ, देख पा रहे हैं निकल रहे। तो चलो इसको पीछे मैं होल्ड करता हूँ, आगे से ये वाला जॉइंट खोल दें आप, इसको बेटर रहेगा, लंबा बहुत बड़ा हो जा रहा है इसको जॉइंट में लगा हुआ है। तो वैसे उस साइड का भी लगा दें, खोल दें, तो अब छोटा हो गया मेरा। तो चलो अब इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो फाइनली इसको पीछे मैं होल्ड कर दिया, और एक सॉकेट पीछे भी रहती है जो कि लाइटर की ही रहती है, ये मैं आप इधर से हाथ डाल के इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर पीछे का ये खोलना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही हाथ डाल के नीचे से खोल दिया इसको। तो चलो अब मैं इसका एयरबैग खोलता हूँ, ये वाला एयरबैग खोलने के लिए आपको
ये देख रहे हैं, ये एक लॉक होल दिया है, यहाँ से लॉक दिख रहा है क्या नहीं, उसको माइनस स्क्रू ड्रॉवर से प्रेस करना रहेगा आपको। निकल गया इस साइड का, तो स्टेयरिंग को सेम इस साइड ले ले आप। गुड, और कंफर्टेबल जाना चाहिए। यहाँ से लॉक दिख नहीं रहा है बराबर, क्योंकि काफी अंदर दिया हुआ रहता है इसका। ये भी निकल गया और एक सामने आगे रहेगा। ये वाला तो चलो मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने ही निकालने की। ये भी निकल गया, तीनों के तीनों निकल गया। तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ फिर स्टीयरिंग सीधी करके। तो फाइनली मैं इसकी स्टीयरिंग सीधी कर दिया हूँ। और ये जो इसका जो रेड वाला है, इसको बहुत बड़े प्यार से निकालना रहता है। जिसका एयर बैग फूट जाता है तो वो तो जल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ये देख पा रहे हैं पूरा मेल्ट हो गया, निकलना इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन इसको आप प्यार से निकालें, कोई भी गाड़ी का डैशबोर्ड खोले तो माशाल्लाह निकल गया। ये नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूरा मेल्ट हो गया अंदर से। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली मैं इसको पूरा सेफ़ तरीके से निकाल दिया हूँ। देख पा रहे हैं ये पूरा मेल्ट हो चुका है, इसकी वजह से कभी कभी सॉकेट को भी जला देता है और एक हॉर्न का रहता है। तो चलो मैं अब स्टीयरिंग निकालता हूँ, इसका एलिंग के लगाता हूँ इसमें। तो आप कभी भी बोल्ट खोलें तो चाबी निकाल दें, और क्योंकि दूसरे आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चाबी निकाल करके इसको खोल सकते हैं। स्टीयरिंग ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ये चाबी निकालेंगे तभी लॉक होगा। तो ये फाइनली 8 नंबर का एलिंक रहता है, ये खोल दिया मैं। तो चलो अब स्टीयरिंग अपना निकल जाएगा, बाकी ये सॉकेट निकालना पड़ेगा अपने को, जो इधर बटन वगैरह का दिया रहता है। इसमें बटन का भी सेटिंग रहता है, टेप का भी रहता है। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं, थोड़ा सा हिला ले इसको, बस ये निकल चुका। तो फाइनली पीछे होल्ड कर दिया स्टीयरिंग को मैं। अब ये रही क्लॉक रिंग और ये दोनों स्क्रू खोलने का, पहले एक स्क्रू इधर, एक दो और एक नीचे रहेगा, ये वाली तीनों स्क्रू खोलता हूँ, इसका कवर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली तीनों स्क्रू खोल दिया हूँ, और आप इसको माइनस स्क्रू ड्रॉवर से इसको कटा लेना, ऊपर ईजिली निकल जाएगा। निकल गया, और ये वाला क्लस्टर मीटर के साथ निकलेगा, शायद क्लस्टर मीटर के साथ ही निकलेगा। तो क्लस्टर मीटर का ऊपर का कवर खोल दें, स्टीयरिंग को नीचे ले लें। निकल गया इजीली, तो पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब मेरे को क्लॉक रिंग खोलना है, तो क्लॉक रिंग के लिए एक ये सॉकेट और एक ये, उसके बाद ये भी है सॉकेट, इसको दिया है, उसके बाद ये वाली सॉकेट, ये तो नहीं खोलनी पड़ेगी अपने को। उसके बाद यहाँ लॉक दिया है ये वाली, तो ये लॉक कटा करके मैं निकालता हूँ इसको।
से तो नहीं निकलेगा क्योंकि माइनस स्क्रूड्राइवर लेना ही पड़ेगा मेरे को साथ में, तभी निकलेगा ये। तो चलो इसको फाइनली निकालता हूँ। तो अपना फाइनली सब लॉक खुल गया। अब ये लॉक रिंग है, इसको तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई कोई गाड़ी में। ये देखो ये लॉक है, ये जब तक आप इसमें डालेंगे नहीं अब तक ये घूमेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक लॉक रहता है, स्टेयरिंग डालने के बाद ही ये घूमने लगता है फिर। तो एनीवे मेरे को टाइम लग जाएगा लॉक दिखाने में आपको। तो चलो पीछे इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ये वाला फाइबर खोल लेता हूँ मैं, और ये वाला शायद इसमें स्क्रू वगैरह दिया रहेगा, नहीं सॉरी इसमें एयरबैग फिट है ये वाले में। तो इधर वाला निकाल लेता हूँ मैं। तो इधर वाला निकालने से पहले मेरे को इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इसको खोलने से पहले ना मेरे को ये वाला साइड पैनल निकालना पड़ेगा, और यहाँ एक 12 या 14 नंबर का प्लास्टिक का बोल्ट दिया हुआ रहता है। ये खोलने के बाद पहले ये निकालना पड़ेगा अपने को। उसके बाद जाके ये निकलेगा। वापस से लगा देता हूँ मैं। ये जो देख पा रहे हैं 10 नंबर, ये स्क्रू खुलेगा पहले, फिर ये 10 नंबर खुलेगा। तो दोनों स्क्रू खोल लिया हूँ, लेकिन बट नीचे के फ्लैप में OBD सॉकेट दिया है, तो ये सॉकेट को अलग करता हूँ और ये 10 नंबर खोलता हूँ, फिर इसको निकालता हूँ। और दो क्या बाहर केबल का दिया है, एक बोनेट का और एक फ्यूल पम्प का, फ्यूल का कवर का। तो चलो दोनों खोलता हूँ फिर मैं निकालता हूँ इसको। तो फाइनली ये दोनों केबल भी निकाल दिया हूँ, ये 10 नंबर भी खोल दिया हूँ, अब ये इजीली अपना निकल जाएगा। तो ये शायद के इधर से निकलेगा तो नहीं, कोशिश करता हूँ निकालने की, नहीं निकलेगा, केबल खोलना पड़ेगा यहाँ से अपने को। तो चलो ये दोनों केबल खोल देता हूँ मैं, केबल खोल के फिर। तो फाइनली एक सॉकेट थी वो भी निकाल दिया। तो चलो पीछे इसको होल्ड कर देता हूँ मैं। अब रही अपना एयरबैग निकालने का, 10 नंबर एक ये दिया है लेग मोड वाला एयरबैग, 10 नंबर एक इधर दिया है। तो चलो मैं खोलता हूँ इसको। तो फाइनली लेग मोड वाला दोनों बोल्ट खुल गया एयरबैग का, अब ये इजीली अपना निकल गया। इसको सॉकेट है तो ये सॉकेट निकालता हूँ मैं। ये ऊपर का लॉक खोलने के बाद इसको खींचेंगे अब। चलो ये भी निकल चुका, तो ये फाइनली खुल गया। तो चलो अब अपन खोलते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल खींचेंगे तो भी निकल जाएगा, निकल चुका। ये सॉकेट है, ये भी खुल गया। अब अपना रह गया टेप को खोल लेते हैं अपन। टेप को खोलने के लिए अपने को माइनस स्क्रूड्राइवर से सबसे पहले ये वाला लॉक कटाना पड़ेगा। लॉक निकल गया, उसके बाद जो है अपने को इधर से उठाना पड़ेगा। निकल चुका, अब देख पा रहे हैं 2-10 नंबर इधर दिया है, उसके बाद 2-10 नंबर इधर दिया है। तो ये दोनों खोलता हूँ मैं। तो चारों 10 नंबर खुल चुका, अब इसको बाहर ले लेता हूँ मैं। ये रही 1-2-3-4, चारों सॉकेट खोलता हूँ मैं, खोल के टेप निकालता हूँ।
तो अपना टेप भी निकल चुका, सॉकेट भी खुल चुकी सब। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब अपने को खोलने की ज़रूरत है मीटर, और उससे पहले इसको निकाल लेता हूँ मैं, ज़रा खींच के निकलेगा। नहीं, इसके साथ ही आएगा ये, इसको निकालने की ज़रूरत है नहीं अपने को। तो मीटर खोलता हूँ, मीटर में 1, 2, 3, 4 स्क्रू है, सब खोलता हूँ। अपना मीटर भी खुल गया, चार स्क्रू खोल लिया हूँ, और इसको आगे साइड खींचोगे आप निकल जाएगा। पीछे एक सॉकेट दिया रहेगा, दो सॉकेट हैं टोयोटा की गाड़ी, लगभग गाड़ी में दो सॉकेट ही देता है पीछे मीटर में। सॉरी, गिर गया था मोबाइल अपना हाथ से। तो अब ये क्लिप निकालने के लिए मेरे को दो हाथ का सहारा चाहिए, तो ये क्लिप निकालता हूँ फिर निकालता हूँ इसको। तो फाइनली मीटर भी अपना निकल चुका, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो अब अपने को ये भी निकालना पड़ेगा, तो ये निकालने के लिए अपने को माइनस स्क्रूड्राइवर की सहारा से इसको यूँ ही कटाएंगे इसको। कटा के ही निकलेगा ये, निकल चुका। इसमें एक सॉकेट लगी है ट्रैक्शन का, तो इसको निकाल देता हूँ मैं। तो फाइनली ये भी निकाल दिया। अब अपन आ जाते हैं इस साइड, साइड पहले गैस्केट को निकाल लेता हूँ पूरा। उसके बाद इसको निकालने का, और ये लॉक एक ऊपर और एक नीचे खोलने वाला रहता है, दबाने वाला रहता है, तभी जाके निकलेगा। तो ये मैं पहले ऊपर का हाथ से तो पॉसिबल नहीं है शायद, क्या कोशिश करता हूँ। नहीं, हाथ से वहाँ हाथ से तो नहीं निकल पा रहा है। मैं इसको और की सहारा लेकर के इसको निकालता हूँ पहले। तो ऐसे ही दो लॉक दिया हुआ रहता है, एक ये और एक ये। तो चलो अब इसको निकाल देता हूँ मैं, निकल चुका। अब यहाँ स्पीकर रहेगी, चलो कुछ नहीं, खाली दिया है, स्पीकर तो नहीं है इसमें। तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको यहीं पर लगा करके ये क्लिप निकाल दें, बस एक क्लिप दिया हुआ रहता है ये वाला। तो चलो उसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इधर का भी खुल गया सब, तो अब मेरे को इस साइड का खोलना है 10 नंबर ये, और 10 नंबर ये, 10 नंबर ये, ये इस साइड का खोल के मैं कंप्लीट करता हूँ पहले, फिर उस साइड आपको जाके दिखाऊंगा। साइड का सब खोल देता हूँ, 10 नंबर जितने भी डैशबोर्ड में लगी है सब खोल देता हूँ, क्योंकि अपने को डैशबोर्ड निकालना है। डैशबोर्ड क्यों निकालना है, क्योंकि डैशबोर्ड चेंज करना है और एयरबैग चेंज करना है। ये वाला जो एयरबैग है पैसेंजर साइड वाला, तो वो डैशबोर्ड में ही रहता है, डैशबोर्ड खोलोगे तभी निकलेगा वो। तो चलो फिर मैं इधर का खोल रहा हूँ, खोल के निकालता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली इधर का सब खुल गया, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड हिलने लगा है। तो चलो अब उस साइड से बाकी सब बाकी है, इसकी वजह से पूरा डैशबोर्ड हिल नहीं रहा है। तो चलो उस साइड चलता हूँ मैं और खोलता हूँ, क्या क्या खोलना पड़ रहा है वो दिखा रहा हूँ। तो इस साइड पर तो सबसे पहले मैं यही खोलूँगा, जल्दी निकल नहीं रहा ये, तो इसको ही निकाल देता हूँ मैं पहले। तो सेम उस इधर भी लॉक है उसी तरीके का, तो लॉक खोलता हूँ मैं। तो फाइनली
लॉक खुल चुका। होल्ड कर लेता हूँ। अब अपने को खोलने की ज़रूरत है सबसे पहले ये वाला, इसको आउट करता हूँ मैं। मेरे को यहाँ गैस्केट खोलना ही पड़ेगा। चलो उसके बाद ग्लो बॉक्स खोलता हूँ। पहले ग्लो बॉक्स तो आप खोल ही लेंगे, तो चलो ग्लो बॉक्स में खोल देता हूँ। तो ग्लो बॉक्स तो मैं खोल लिया हूँ। उससे पहले अब इधर का नीचे कवर दिया हुआ रहता है, उसको निकाल दें। इसको भी निकाल दिया। अब उसके बाद अपने को ये वाला जो है ऊपर का फ्रेम निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वाला खोलना पड़ेगा मेरे को पहले। उसके बाद एक 10-12 नंबर यहाँ दिया हुआ रहता है प्लास्टिक वाला, उसके बाद इसको खींचेंगे ये निकल जाएगा, क्योंकि ये 10 नंबर खोलना रहेगा अपने को। तो एक 10 नंबर ये और 1, 2, 3 स्क्रू खोलता हूँ। 1-10 नंबर इधर खोल के फिर फ्रेम को निकालता हूँ बाहर में। तो सब बोल्ट खोलने के बाद आप इसको ऐसे खींचेंगे निकल जाएगा। निकल गया। अब जो डैशबोर्ड का स्क्रू बोल्ट है 1-10 नंबर ये है, ये निकालना चाहे तो आप निकाल दें, क्योंकि एयरबैग का बोल्ट इधर ही रहेगा। 1-10 नंबर इधर है और एयरबैग का जो देख पा रहे हैं आप ये है 12 नंबर, एक ये और एक ये 2। तो ये मैं खोलता हूँ, खोल के फिर कौन सी सॉकेट खोलनी रहती है मेरे को, ये सॉकेट तो खोलनी नहीं रहेंगी। तो ये एयरबैग का पहले खोलता हूँ मैं, फिर आगे दिखाता हूँ और डैशबोर्ड का। तो फाइनली इधर का सब खुल चुका, 12 नंबर एयरबैग का भी खोल दिया हूँ और ये सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको। सॉकेट भी निकल चुका अपना, और आप इधर आ जाइए, ये डैशबोर्ड में लगी है, ये सॉकेट को आप यहाँ से निकाल देने का, और ये क्लिप निकाल लो। 1, 2 क्लिप निकाल देंगे ना, डैशबोर्ड इजीली रिमूव होने लगेगा। देख पा रहे हैं बाहर आ रहा है, बस ये दोनों क्लिप निकल रहा है लग रहा है। तो चलो ये दोनों क्लिप खोलता हूँ फिर मैं। तो ये भी खुल गया अपना डैशबोर्ड, बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, कुछ सॉकेट रहेगी शायद अंदर। सॉकेट वॉकेट तो कुछ लगा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, इसको खींचेंगे ऊपर करके थोड़ा निकल जाएगा। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ फिर। तो चलो फिर फाइनली डैशबोर्ड देख पा रहे हैं पूरा आ गया। तो चलो फिर बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के फिर। तो फाइनली डैशबोर्ड निकाल दिए हैं अपन, ये रही डैशबोर्ड। और अपने को ये वाली एयर बैग निकालना है बस, एक स्क्रू इधर और एक स्क्रू इधर 2, और ये लॉक को प्रेस करना पड़ेगा, बाकी ये एयरबैग निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको निकाल लेता हूँ, सॉकेट हो सके तो निकले तो निकल जाए, नहीं तो सॉकेट नया ही आएगा इसमें। तो चलो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ मैं, ये दोनों स्क्रू खोल के इसको एयरबैग को बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली सबसे पहले आप इधर की लॉक जो निकालेंगे ना, उसके बाद ये दोनों स्क्रू तो मैं खोल दिया हूँ पहले ही, और इधर की लॉक निकालेंगे, थोड़ा सा काटा वटा के निकालना पड़ता है, उसके बाद ये जो प्रेस करेंगे ऐसे एयरबैग निकल जाएगा आपका। तो चलो मैं इसको बाहर खींच के निकाल देता हूँ। तो फाइनली निकल चुका है, 1, 2, 3। तो चलो फिर अब अपन गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर चल के अभी ये चीज़ें डैशबोर्ड का
बाद में मैं बताता हूँ, पहले चलो गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट मॉड्यूल और ये सब चीज़ें खोल लेता हूँ, फिर बाद में फिटिंग करने के लिए न्यू जब डालेंगे फिर आपको बाद में फिटिंग करके दिखाता हूँ। पहले पुराना जितना भी है सब सामान खोल लेता हूँ, फिर न्यू वाला बाद में आपको दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाऊंगा आपको। फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, तो मेरे को एयरबैग सिस्टम का क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉड्यूल जो कि यहाँ पे दिया है 12 नंबर 4 बोल्ट है, इसमें खोलना पड़ेगा अपने को। इधर सॉकेट रहेगी, तो देख पा रहे हैं आप, डैशबोर्ड निकाल चुका हूँ मैं, तो चलो मॉड्यूल खोलता हूँ। पहले मॉड्यूल खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो चलो मॉड्यूल खोल के दिखाता हूँ। तो एयरबैग मॉड्यूल भी खुल गया, तीनों सॉकेट निकाल दिया हूँ, ये रही तीनों वायरस का तीनों सॉकेट फिस। तो चलो ये मॉड्यूल तो प्रोग्रामिंग करके हो जाता है, बन जाता है, लेकिन गाड़ी कंपनी की गाड़ी है, वारंटी में है, इसके वजह से नया डलवाया जा रहा है। तो चलो फिर अब मैं सीट बेल्ट को खोल के दिखाता हूँ। पहले ये साइड का सीट बेल्ट खोल लेता हूँ, सीट बेल्ट भी चेंज करना रहेगा। तो चलो उस साइड चलता हूँ मैं, सीट बेल्ट खोलता हूँ। तो फाइनली राइट हैंड साइड आ गया हूँ। सबसे पहले ये वाला 14 नंबर खोलना पड़ेगा अपने को, और ये निकालेंगे, निकालने के बाद ये वाला फाइबर निकलेगा, फिर अंदर का फाइबर निकलेगा। तो चलो ये दोनों निकालता हूँ मैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देख पा रहे हैं ये सीट बेल्ट कितना टाइट हो गया है। ये सीट बेल्ट आप लगाएंगे तो एयरबैग तभी काम करता है, और दूसरा तो मैं खुल चुका। तो देख पा रहे हैं ये रही सीट बेल्ट, तो इसमें बोल्ट एक ऊपर 10 नंबर दिया है उसी में अटका है, और ये खोल के अंदर का भी खोलना पड़ेगा अपने को। तो चलो मैं खोलता हूँ। तो फाइनली ये खुल गया, तो चलो अब फिर उस साइड में जाता हूँ, उस साइड जा करके दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली अपन ड्राइवर साइड की तरफ आ गए, यानी लेफ्ट साइड की तरफ आ गया हूँ, और सबसे पहले 14 नंबर खोलता हूँ ये, फिर उसके बाद ये निकालता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। इस साइड का आप देखिए सीट बेल्ट पूरा लूज़ होकर के ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ। तो फाइनली खोल दिया हूँ ये। तो गाइस एक सेंसर इधर लगी हुई रहती है, जब भी आगे का सेंसर जैसा काम करता है वैसा इधर का भी सेंसर काम करता है, क्योंकि साइड से कभी गाड़ी ठुकती है तो भी एयरबैग निकलता है। तो साइड का पिलर का एयरबैग निकलता है, साइड से अगर ठुकती है तो अलग अलग एयरबैग का अलग अलग लोकेशन दिया हुआ रहता है, इसलिए यहाँ सेंसर दिया है ये। तो ये सेंसर सही रहता है, ये सेंसर ख़राब नहीं हुआ है, बस अपना आगे वाला सेंसर चेंज करना पड़ेगा, तो क्योंकि वो ठुकी है आगे से, तो इस वजह से। तो चलो फिर मैं इसको फाइनली खोलता हूँ पूरा। तो फाइनली इधर का भी सीट बेल्ट खुल चुका अपना। तो चलो अब अपन डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ, डैशबोर्ड न्यू वाला डैशबोर्ड आपको, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो सब चीज़ें फिटिंग करके फिर बाहर चलो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली आपके सामने डैशबोर्ड हाजिर है, देखते हैं कौन सा डैशबोर्ड है ये। तो ये थैली खोलता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये वही डैशबोर्ड है, रिपेयर होके आया है, तो रिपेयर का ये दिखा देता हूँ मैं आपको ज़रा। ये देख पा रहे हैं चिपका हुआ है, चिपका के लगाया है। तो चलो फिर मैं इसको गाड़ी में फिट करता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली वापस से डैशबोर्ड डल चुकी है अपना, देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिपेयरिंग का फंडा दिखा देता हूँ। तो पहले मैं बाहर आपको दिखाया कि इसका इधर से रिपेयर हुआ है, लेकिन बट एयरबैग दूसरा डाला है, दूसरी गाड़ी का सेकंड डाला गया है इसमें, और रिपेयर जो हुआ है देख पा रहे कितना फिनिशिंग है, पता ही नहीं चल रहा है कि रिपेयर हुआ है, लेकिन अंदर से दिख रहा है कि रिपेयर हुआ है, ऐसा लग रहा है कि डैशबोर्ड नहीं है। तो अब मैं ये सब चीज़ें इसका फिटिंग कर रहा हूँ, और क्या क्या इसमें नया पार्ट्स, नया तो नहीं सेकेंड पार्ट, एक ड्राइवर साइड का एयरबैग जो कि स्टेयरिंग के ऊपर लगता है, और
ये रही लेग मोड वाला एयरबैग, ये भी सेकंड है अपना। उसके बाद सीट बेल्ट, ये भी सेकंड है। और ये रही सीट बेल्ट, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सीट बेल्ट सेकंड है। और ये रही मॉड्यूल, जो कि इसको रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो चलो फिर फाइनली मैं ये सब फिटिंग करता हूँ। सबसे पहले टेप डालता हूँ, मीटर डालता हूँ, स्क्रू जो खोला हूँ, बोल्ट वगैरह सब फिटिंग करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली टेप वगैरह बैठा दिया हूँ, देख पा रहे हैं टेप वगैरह बैठ चुका। अब अपन मीटर बैठाते हैं और ये सब थोड़ा बहुत दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि खोलने का असल प्रोसेस जो रहता है खोलने का ही रहता है। तो टेप वगैरह बैठा देता हूँ, बैठा दिया हूँ, और मीटर वगैरह बैठा करके फिर ये सब छोटा मोटा इधर का एयरबैग बैठाता हूँ। तो फाइनली अपना तो टेप वगैरह, कंट्रोल पैनल, ग्लो बॉक्स, उसके बाद स्टीयरिंग की तरफ मीटर, हेडलाइट स्विच, ऊपर का ये फाइबर उस साइड का सब फिट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सीट बेल्ट लगाने के लिए, राइट हैंड साइड का सीट बेल्ट लगाने जा रहा हूँ पहले। तो चलो राइट हैंड साइड चलते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड का लगाऊंगा। तो चलो राइट हैंड साइड चलता हूँ। तो फाइनली मैं राइट हैंड साइड आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं मार्क किया हुआ है कि ये राइट साइड का है। तो पहले वो चीज़ें आप ढूंढें, इसमें तो कहीं अभी मेरे को नज़र नहीं आया। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड का है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा अपना। इसको उधर रख देता हूँ। तो चलो इसको मैं खोलता हूँ, टेपिंग किया हुआ है, टेपिंग खोलता हूँ। तो फाइनली मैं टेप खोल के इधर गांठ मार दिया हूँ, और सबसे पहले ऊपर फिटिंग कर लेता हूँ, 14 नंबर का टाइट कर देता हूँ मैं इसको। फुल टाइट हो चुका। उसके बाद ऐसे ही यहाँ का कवर जो लेंगे, तो सबसे पहले इसमें देख लेना, कहीं ना कहीं मार्क किया हुआ रहेगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड का है। तो चलो इसको मैं फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली इसको ये पोजीशन में मिला करके इसको अंदर प्रेस कर देने का, इधर क्लिप लगेगी। तो चलो ये लगाता हूँ मैं। तो फाइनली राइट हैंड साइड का ये बैठ गया। तो चलो अब लेफ्ट हैंड साइड में बैठाने के लिए चलते हैं अपन। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आ चुके अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड का सीट बेल्ट में भी कहीं मार्किंग किया हुआ है, देख पा रहे हैं एल लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का है। तो चलो इसका टेप खोलता हूँ मैं। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी कहीं मार्किंग किया हुआ रहेगा, ये देख लीजिए यहाँ लिखा है एल, यानी लेफ्ट हैंड साइड का है ये। तो इसमें इसको डाल देने का है, ये वाली चीज़ें ऐसा रख के इसमें डालना है अपने को। चलो ये डालने के बाद ये वाली होल जो दिख रही है ये बोल्ट के अंदर जाएगा, तो इसको अच्छा से एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके इसको प्रेस कर देना। तो ये फिटिंग करने के बाद इसको जरा एक बार ऊपर नीचे एडजस्ट करके देख लेना और है क्या नहीं बराबर। तो होने के बाद उसके बाद ये दोनों क्लिप लगा देना, उसके बाद यहाँ का कवर लगा देना। तो फाइनली सेट का पूरा फिट हो गया। तो चलो अपन अभी चलते हैं अंदर डैशबोर्ड की तरफ। तो फाइनली अपनी पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं एयरबैग वगैरह लग गया, सब लग गया, इधर का डैशबोर्ड वगैरह सब फिट हो गया। बस बाकी अपना कंसोल बॉक्स लगाना बाकी है, क्योंकि अपने को यहाँ का एयरबैग मॉड्यूल जो है ना खोलना रहेगा, इसकी वजह से मैं इसको फिट नहीं किया हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम बाकी है अभी इधर इसमें। तो इलेक्ट्रिकल का काम के लिए वीडियो तो मैं अभी बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मॉड्यूल अभी बाहर गया हुआ है इस वजह से। तो वीडियो यहीं तक एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों से बस एक मैं दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि गाइस आप अगर मेरे चैनल में नए हैं ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्यों, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे ना दोस्तों,
तो मुझे नेक्स्ट वीडियो जो बनाने में ना बहुत खुशी होगी, और मैं अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बाकी और कुछ नहीं। और एक मैं इसमें शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल में, जो कि हर कंपनी की, क्योंकि मल्टीकास्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे हर कंपनी की गाड़ियाँ आती है, तो जिसका छोटा मोटा काम रहता है तो उसमें शॉर्ट वीडियो बना करके मैं चैनल में डालता हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें आप, मल्टी कार्स के एसी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को देखें, डैशबोर्ड देखें, जो भी आपको फंडा अच्छा लगे वो चीज़ें देखें, और बस यही है और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ की गाड़ियाँ, यहाँ की बाहर कंट्री की गाड़ियाँ आप देखें, गल्फ़ कंट्री की गाड़ियों को देखें और चीज़ों को सीखे किस तरीके से दिया हुआ रहता है, कौन से कंपनी का क्या कैसा रहता है, फंडा रहता है, बस और कुछ नहीं। तो चलो फिर इस वीडियो में यहीं तक काफ़ी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अपुन।